दोस्तों, दुनिया में जंग का सिलसिला वैसे तो हजारों सालों से चला आ रहा है, और ये तो तय है कि जब भी कोई हथियार बनता है तो वो इंसानियत का दुश्मन ही होता है। लेकिन हथियार बनाने की हमारी अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं। कभी अपनी हिफाजत के लिए तो कभी देश की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए हमें हथियार बनाना पड़ता है। दरअसल पत्थरों के हथियार से लेकर आज हम न्यूक्लियर वेपन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन एक हथियार ऐसा है जिसका नाम दुनिया के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, और हर साल लाखों लोगों की इस हथियार की वजह से जान भी जाती है। इतने बड़े पैमाने पर इंसानी जान जाते हुए देख खुद इसके बनाने वाले को भी अफसोस हुआ, क्योंकि ये हथियार देश की फौज के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये उनकी हाथों से निकलकर आतंकवादियों का भी सबसे बेहतरीन खिलौना बन गया। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, अगर उसमें सबसे ज्यादा कोई हथियार इस्तेमाल किया जाता है तो वो यही है। मैं बात कर रहा हूँ AK-47 की, जिसके जलवे को आपने अभी हाल ही में KGF चैप्टर 2 मूवी में देखा होगा। दोस्तों, यह AK-47 कैसे बना, किसने बनाया और क्यों इतना खास है, इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी को हमारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1941 के वर्ल्ड वार से, जब जर्मनी और रशिया की आर्मी आमने सामने थी और घमासान युद्ध चल रहा था। तभी जर्मन्स एक रशियन टैंक को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करके उसमें मौजूद 5 लोगों में से 4 लोगों को मार डालते हैं। लेकिन 5वां शख्स टैंक कमांडर कलासिनकोव मिखाइल बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं, और जब आंखें खोलते हैं तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कलासिनकोव मिखाइल ही वो शख्स हैं जिन्होंने AK-47 को बनाया था। आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हॉस्पिटल में मिखाइल की हालत में कुछ सुधार होने पर उन्हें वॉर के लिए अनफिट डिक्लेयर कर ट्रक से शहर की तरफ भेजा गया। लेकिन रास्ते में उनका ट्रक बर्फ में फंस जाता है और पास में ही मौजूद जर्मन सैनिकों से उनकी मुठभेड़ हो जाती है। हालांकि मिखाइल के कमांडर के पास एक मशीन गन थी जो ट्रायल के लिए उन्हें दिया गया था, लेकिन वॉर के लिए अप्रूव्ड नहीं थी। तापमान कम होने की वजह से उस मशीन गन के अंदर पानी की बूंद बर्फ बन जाने से वो फंस जाती है और जर्मन सैनिक उनको गोली मार देते हैं। लेकिन किसी तरह मिखाइल यहाँ से भी बच निकलते हैं, और ये सोचकर बहुत परेशान होते हैं कि अगर उनके पास एक अच्छी गन होती तो इतने रशियन सैनिकों की जान नहीं जाती। असल में उस समय रशियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मोसिन नगांट बोल्ट राइफल निशाना लगाने में तो कमाल की थी, लेकिन कमी ये थी कि उसका फायर रेट काफी कम था और साथ में ज्यादा गोलियां लेकर चलना भी पॉसिबल नहीं था। देखा जाए तो सोवियत गवर्नमेंट को भी इन कमियों के बारे में जानकारी थी, और सोवियत डिजाइनर भी दिन रात एक ऐसा गन डिजाइन करने के लिए काम कर रहे थे जो वजन में हल्की हो, फायर रेट मशीन गन की तरह ज्यादा हो और निशाना भी राइफल की तरह सटीक हो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको कलासनिकोव मिखाइल के शुरुआती दिनों के बारे में जानना जरूरी है। कलासनिकोव मिखाइल का जन्म सन 1919 में रूस के कुरिया में हुआ था। दरअसल सन 1930 में उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी को जब्त करके उनको गांव से निकाल दिया गया था, और वो लोग इधर उधर भटकते हुए जिंदगी जीने के लिए शिकार पर निर्भर हो गए थे। और कलासनिकोव भी टीनेज में अपने पिता की राइफल अक्सर यूज किया करते थे, जिससे धीरे धीरे उन्हें मशीनों से लगाव हो गया। 7वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गाँव कुरिया पहुँचे और एक ट्रैक्टर फैक्ट्री में काम करने लगे। उनकी टेक्निकल स्किल और मेहनत को देखते हुए एक अधिकारी ने उन्हें पास के ही हथियार डिजाइन के फैक्ट्री में नौकरी लगवा दी, जहां उन्हें राइफलों के टेस्टिंग के काम में लगाया गया। और जब 1939 में हिटलर की सेना ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया तो कलासिनकोव मिखाइल को रूस की रेड आर्मी की एक यूनिट के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन उनकी छोटी हाइट और इंजीनियरिंग स्किल के कारण उन्हें टैंक मैकेनिक का काम असाइन किया गया, जो बाद में प्रमोट होकर टैंक कमांडर बन गए। दोस्तों, अब लौटते हैं अपनी वर्तमान कहानी पर। वार के लिए अनफिट होने की वजह से कलासिनकोव ने अपनी फौज के लिए राइफल के डिजाइन पर काम करना शुरू किया, और कुछ दिन बाद एक राइफल बनाया जिसे सोवियत अथॉरिटी द्वारा पहली नजर में ही रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उनकी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई, क्योंकि आर्मी के अधिकारी कलासिनकोव की लगन देखकर बहुत खुश हुए थे, और इसी खुशी में उन्होंने कलासिनकोव को आर्मी के लिए छोटे पिस्टल और गोलियां डिजाइन करने वाली एक फैक्ट्री में काम पर लगा दिया, जहां वो अपनी नौकरी के साथ ही राइफल के डिजाइन पर भी काम करते रहे। दरअसल उन्हें एक बड़ी सफलता सन 1941 में तब मिली जब उन्होंने एक लाइट वेट 7.62x39mm बुलेट बनाया, जिसकी खासियत ये थी कि न तो ये इतनी भारी थी कि चलाने पर तेज झटका महसूस हो, और न तो इतनी हल्की थी कि हवा से मुड़कर निशाने से चूक जाए। ये बुलेट बहुत कारगर साबित हुई और आगे चलकर AK-47 के लिए ये इस्तेमाल की गई। इसी दौरान जब विश्व युद्ध का अंत हो रहा था तो रूस के सबसे प्रसिद्ध हथियार डिजाइनर एलेक्सी सुदाएव की मौत हो गई, जो कि एक इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिक राइफल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उनकी मौत के बाद ये प्रोजेक्ट फंस गया, जिसकी वजह से सोवियत अथॉरिटी ने एक वेपन डिजाइन के कंपटीशन का फैसला लिया, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले डिजाइनर्स को मिलिट्री के लिए एक वेपन डिजाइन करने के लिए कहा गया। क्लासनिक
निकोप भी लंबे समय से ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने भी इस कंपटीशन में भाग लिया। देखा जाए तो शुरुआत में जब क्लासनिकोव ने राइफल डिजाइन करने की कोशिश की थी, तब वो बिल्कुल अकेले थे और उन्हें डिजाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन इस बार तो पूरी टीम उनके साथ लगी हुई थी। असल में पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन को कई फेज में किया गया और हर फेज में पार्टिसिपेंट्स को एक ट्रायल से गुजरना पड़ता था, जिसमें फेल होने पर उन्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता था। ये ट्रायल एक साल से भी ज्यादा समय तक चला और क्लासनिकोव हर ट्रायल में अपने डिजाइन राइफल को और बेहतर करते गए और आखिरकार सन 1947 में अपनी राइफल को सबसे बेहतर साबित करते हुए इस कंपटीशन को जीत लिए। सोवियत गवर्नमेंट को उनका डिजाइन पसंद आया और उसी डिजाइन पर एक असॉल्ट राइफल बनाई गई, जिसका नाम ऑटोमेट क्लासनिकोव रखा गया, जिसको हम आज AK-47 के नाम से जानते हैं। और हैरानी की बात है कि इतने सालों बाद भी इस गन का ना तो इम्पोर्टेंस कम हुआ और ना ही इसके टक्कर की कोई असॉल्ट राइफल आज तक बन पाई है। दरअसल AK-47 में ए ऑटोमेट से लिया गया है, जिसका मतलब ऑटोमेटिक होता है, और 47 सन 1947 से लिया गया क्योंकि इसी साल इसे अप्रूवल मिला था। मिखाइल क्लासनिकोव भले ही अपने देश में हीरो बन गए, लेकिन बंदूक के इतने सफल होने के बावजूद भी उन्होंने इसके डिजाइन का कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि वो इसे देश की सेवा मानते थे। साल 1955 में जब वियतनाम की लड़ाई हुई, तब पहली बार दुनिया ने AK-47 को देखा, जहां अमेरिकन्स के खिलाफ लड़ने वाले पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम और वियत कोंग को मदद के तौर पर सोवियत संघ ने AK-47 दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी सारी इंजीनियरिंग के बावजूद अमेरिकन M16 राइफल जाम हो जाती थी, लेकिन AK-47 चलती रहती थी। एक कमाल की बात ये भी है कि सन 1964 से 1975 तक चली पुर्तगाल से अपने आजादी की लड़ाई को मोजाम्बिक देश ने क्लासनिकोव के बनाए AK-47 से लड़ी थी और जीत भी हासिल की, और इससे इतने इम्प्रेस हुए कि आज उनके राष्ट्रीय झंडे में भी क्लासनिकोव राइफल है, जो उनकी क्रांति का प्रतीक है। दोस्तों 80s के दौर में जब अफगान युद्ध के बाद सोवियत सैनिक वापस लौटे, तो अफगानिस्तान में जहां तहां क्लासनिकोव राइफलें नजर आने लगी। कुछ तो सोवियत सैनिक छोड़ गए और कुछ वो थी जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मुजाहिदीनों को सोवियत फौज से लड़ने के लिए दी थी, और हैरानी की बात है कि वो राइफल्स आज भी चल रही हैं। इसके बाद जब सोवियत संघ टूटा, तो सोवियत फौज की ढेर सारी राइफल्स स्मगल होकर दुनिया भर में पहुंच गई, और आज दुनिया में जहां तहां लड़ने वाले गुट क्लासनिकोव राइफल से ही लड़ते हैं, और एक लड़ाई के बाद वही बंदूकें दलालों के जरिए दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन में पहुंच जाती है। आतंकवादियों के तौर पर जिनकी पहचान संयुक्त राष्ट्र करता है, उनमें से ज्यादातर के हाथों में AK-47 होती है, और इस तरह AK-47 आतंकवाद का भी चेहरा बन गई। दोस्तों ये तो था AK-47 के बनने की पूरी कहानी। आइए अब जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। ऑटोमेटिक सेटिंग के साथ एक मिनट में 600 राउंड फायर करने वाली इस राइफल का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, जिसकी फायर रेंज लगभग 350 मीटर है। दरअसल लाइट वेट और छोटी बुलेट होने की वजह से इसे इस्तेमाल करते वक्त झटका महसूस नहीं होता है और इसे चलाना भी बहुत ही आसान है। और यही नहीं, सीधे साधे डिजाइन की वजह से बिना किसी खास ट्रेनिंग के इसके पुर्जे बड़ी आसानी से बदले जा सकते हैं। दोस्तों भले ही मिखाइल एक खतरनाक राइफल के लिए जाने गए, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को ही पता चल पाई कि उनके अंदर एक कवि छुपा हुआ था। उन्होंने जीवन भर में इतनी कविताएं लिखी कि उनकी सभी कविताओं को 6 किताबों में सहेजा गया। शायद अपने अंतिम दिनों में मिखाइल को इस बात का अफसोस था कि उन्होंने AK-47 के रूप में एक ऐसी राइफल बना दी जिसे तबाही के रूप में देखा जाता है। 94 साल की लंबी जिंदगी जीने वाले क्लासनिकोव 23 दिसंबर 2013 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।